हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार आज हम अपने GTA 5 के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं कावासाकी निंजा H2R, और ये एक ऐसी बाइक है जो मतलब इसका मुकाबला कोई बाइक कर ही नहीं सकती। तो GTA 5 के अंदर देखते हैं हम क्या परफॉर्मेंस रहती है इस वाली बाइक की। और भाई साइकिल चला चला के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, तो अगर आप भी मेरी तरह बेकार सी बाइक या साइकिल चला चला के बोर हो चुके हैं तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने GTA 5 के अंदर कावासाकी निंजा H2R, या फिर और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में इसी में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से इसको हम शुरू करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गेमिंग से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और गेम प्लेस वगैरह भी देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस सबसे पहले डाउनलोड करते हैं मॉड्स को। तो मॉड्स डाउनलोड होंगे GTA5mods.com पे, आपको पता ही है यहाँ पर आपको कार्स बाइक सब कुछ मिल जाता है GTA 5 से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं कावासाकी निंजा। तो सिर्फ हम निंजा सर्च करेंगे तो बाकी जितनी भी निंजा होंगी वो सब आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब कावासाकी की जितनी भी बाइक है सारी आ जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे भी दिखा रहा है निंजा H2, और जो सेकंड नंबर वाली है हम इसको करने वाले हैं क्योंकि भाई इसके हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाली है ना उसके शायद से कलर वगैरह चेंज नहीं हो पाते हैं, तो इसी को हम डाउनलोड करेंगे। और इसके अलावा हम करने वाले हैं कावासाकी निंजा ZX10R। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त लुकिंग बाइक है, और भाई रियल लाइफ में भी और गेम के अंदर भी ये दोनों जगह ही बहुत ही मस्त बाइक है। तो मॉड्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं, तो चलिए अब जाते हैं मॉड्स में। अपडेट X64 DLC पैक के अंदर, तो यहाँ पर डालेंगे हम अपनी बाइक्स के फोल्डर जो इनके अंदर DLC फाइल होती है, तो इनको हम यहाँ पर उठाकर पटक देते हैं। ये आ गया एक का, और अब सेकंड वाली का भी जो है हम यहाँ पर पटक देते हैं। तो दूसरी वाली के अंदर जाएंगे, ये रही दूसरी वाली, इसका भी DLC फाइल वाला जो फोल्डर है उसको उठाकर हम यहीं पर पटक देंगे। तो ये हमारा काम हो चुका है, अब हमें एक लाइन ऐड करनी होती है, उसका प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो ओपन IV को ओपन करते हैं, और ये हमारा ओपन IV जो है वो ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये बस। तो ये हमारा ओपन होने वाला है, इसको ओपन होने के बाद हम जाएंगे मॉड्स के फोल्डर में, और देखो पहले एडिट मोड को ऑन करना ज़रूरी है। तो मॉड्स में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, अपडेट डॉट आर पी एफ, उसके बाद कॉमन डेटा, और यहाँ पर सबसे नीचे आती है DLC लिस्ट, इसको हम एडिट करने वाले हैं। तो एडिट मोड को ऑन ज़रूर कर लेना तभी ये कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो readme फाइल होती है हर उसके अंदर फोल्डर के अंदर, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एक लाइन होती है उसको ऐड करना होता है, तो यहाँ पर इस लाइन को ऐड कर देते हैं, दोनों बाइक्स की लाइन जो है वो ऐड कर देता हूँ, और फिर हमारी जो बाइक्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसी तरह आप और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, कार्स बाइक्स जो भी आपको करना है, ट्रक वगैरह सब कुछ मिलते हैं भाई। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए सेकेंड वाली लाइन जो है इसको भी मैं ऐड करने वाला हूँ, और ये readme फाइल ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मिले, तो अगर किसी के साथ ना भी मिले तो आप पुरानी किसी लाइन को उठाकर वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, और फिर DLC फाइल वाला जो फोल्डर है उसका नाम सेम नाम वहाँ के लाइन के बीच में लिख देना, तो आपका काम हो जाता है। तो चलिए इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो हमारा हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपने गेम के अंदर और करेंगे इन मोड की टेस्टिंग। तो गाइस गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम खोलने वाले हैं एड ऑन स्पॉनर। तो गाइस अगर ये पिछले जो मोड हैं जिनकी वजह से हम ये नए नए मोड इंस्टॉल कर पाते हैं, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरी जो पिछले वाले ट्यूटोरियल हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसका प्लेलिस्ट का ही नाम है मॉड्स ट्यूटोरियल, तो उस पर जाकर आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देख सकते हैं मॉडिंग के। तो देखिए हमारी बाइक जो है आ चुकी है, और भाई कितनी बल्कि लग रही है ये बाइक, और भाई एकदम मतलब मज़ा ही आ रहा है इसको देखने में, एकदम ज़बरदस्त लुक है इसका। तो चलिए इसकी स्पीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसको हम चलाएंगे तो शहर के अंदर चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको ज़्यादातर बाहर रोड पर ही चलाते हैं, और शहर के अंदर अगर हमें इसको चलाना है तो थोड़ा सा स्लो चला सकते हैं हम। तो भाई 100-150 की स्पीड ये यूं ही कवर कर लेती है। और अभी हम दूसरी वाली बाइक को ट्राई करने वाले हैं, तो देखेंगे हमारी ZX10R कैसी लग रही है। तो भाई बाइक तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, कावासाकी की ये दोनों बाइक जो हैं वो मेरी फेवरेट हैं, तो दोनों ही भाई मस्त लगती हैं एकदम। ये देखो ये भी इसी की तरह लग रही है, बस थोड़ी सी वो जो है H2 वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती है देखने में, और ये थोड़ी सी कम लगती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये दोनों बाइक कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।